यूट्यूब चैनल को कस्टमाइज कैसे करें। गाइस यदि आपको नहीं पता यूट्यूब चैनल को कस्टमाइज कैसे करते हैं, मैं आपको सिखाने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप, आपको एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो कस्टमाइजेशन किसे कहते हैं, जैसे कि आप जाते होंगे यूट्यूब पर, जैसे किसी का चैनल ओपन करते होंगे उसके होम रहता होगा, ठीक, होम में जाते होंगे उसका लेटेस्ट वीडियो रहता है, फिर पॉपुलर अपलोड रहता है, फिर शॉर्ट्स रहता है, फिर वहाँ पर एक चैनल का लिंक भी रहता है और उसके इंस्टाग्राम का लिंक रहता है और भी जैसे अदर प्लेटफॉर्म का लिंक रहता है। और इस तरीके से गाइस इसको बोलते हैं YouTube चैनल कस्टमाइजेशन। तो यदि आप अपने चैनल को अच्छे तरीके कस्टमाइज़ नहीं किए, आपका चैनल देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो जब गाइस आप कस्टमाइज़ कर देंगे अपने YouTube चैनल को बढ़िया से, तब कोई भी जैसे ऑडियंस आएगा, न्यू जैसे कि पर्सन आएगा आपके चैनल पर, आपके चैनल को देखेगा, तो जब कस्टमाइज कर देंगे तब आपका चैनल देखने में अच्छा लगेगा, जिससे वो सब्सक्राइब कर सकता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे किस तरीके से अपने YouTube चैनल को कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके लिए हमें चलना पड़ेगा मोबाइल में, क्रोम ब्राउजर में जाकर के YouTube स्टूडियो को ओपन करना पड़ेगा, वहाँ से कस्टमाइज होता है। तो चलिए सिखाते हैं आपको कस्टमाइज कैसे करते हैं। तो आज के इस वीडियो के विनर ये हैं, इनके चैनल का लिंक कमेंट में पिन कर दिया हूँ, जाकर इनको सपोर्ट करिए। और यदि आप विनर बनना चाहते हैं तो वीडियो में मेरे कमेंट करिए, आप विनर बन सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे कस्टमाइज करना है। गाइस मैं आ गया मोबाइल में, चलिए आपको सिखाता हूँ कि आप कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं YouTube चैनल को। आपको क्रोम में आ जाना है, क्रोम में आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर टाइप करना है आपको www.youtube.com, आपको इतना टाइप करके आपको यहाँ पर सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करते हैं फिर आगे क्या करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आपको सिर्फ ऐसे करना, ध्यान से आपको देखना है। यहाँ पर जब यहाँ पर आ जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जाना है, देख सकते हैं थ्री डॉट पर, आपको थ्री डॉट पर जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डेस्कटॉप साइट आपको मिलेगा, मैं आपको दिखा दूँ गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं डेस्कटॉप साइट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। चलिए डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे डेस्कटॉप साइट पर आप क्लिक करते हैं फिर आपको क्या करना है, आपको कोने में यहाँ पर लोगो दिख रहा होगा अपने यूट्यूब चैनल का, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कोने में, यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको लोगो पर कोने क्लिक कर देना है। जैसे आप लोगो पर क्लिक करेंगे फिर आपको मिल जाएगा यहाँ पर व्यू चैनल, आपको व्यू चैनल पर क्लिक कर देना है। चलिए व्यू चैनल पर क्लिक करते हैं। तो जैसे आप व्यू चैनल पर क्लिक करेंगे फिर आपको यहाँ मिल जाएगा कस्टमाइज चैनल, आपको यहाँ पर देख सकते हैं, आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पर मैं ड्रा करके दिखाता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं मिल जाएगा आपको कस्टमाइज चैनल, आपको कस्टमाइज चैनल पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करते हैं फिर क्या करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। जैसे आप कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करते हैं फिर यहाँ पर आपका जो कस्टमाइजेशन वाला सेक्शन है आपके चैनल का ओपन हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से ओपन हो जाएगा, क्या क्या आपको यहाँ पर दिया हुआ देख सकते हैं, यहाँ से फीचर दिया हुआ ऐड करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर आपको देख सकते हैं मिल जाएगा लाइव है मेरा, फिर वीडियो है, पॉपुलर अपलोड है, फिर पास्ट लाइव है, फिर शॉर्ट वीडियो, इस तरीके से मैं अरेंज किया हूँ। तो यहाँ से मैं चाहूँगा और कुछ यहाँ पर मैं ऐड कर सकता हूँ। तो आपको क्या करना है, जैसे कि आप देखते होंगे बड़े यूट्यूबर में जाते होंगे तो सबसे पहले पॉपुलर अपलोड रहता है, उसके बाद वीडियोज रहता है, इस तरीके से मतलब रहता है। तो आप भी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड सेक्शन पर आपको क्लिक करना है, आपको मिल जाएगा ऐड सेक्शन, मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर ऐड सेक्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ऐड सेक्शन पर क्लिक करेंगे इतने सारे आपको मिल जाएंगे, देख सकते हैं आपको मैं दिखा, पहले वीडियोज रहेगा, फिर पॉपुलर अपलोड रहेगा, शॉर्ट्स रहेगा, जो भी आप पहले करना चाहते हैं उसको एक एक करके यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और गाइस यदि आप किसी और अपने चैनल को यहाँ पर लगाना चाहते हैं अपने होम स्क्रीन पर, जैसे मनोज देव उसके चैनल पर आप जाएंगे देखेंगे अपने ब्लॉग चैनल को भी लगाया है, तो आप फीचर चैनल पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, आप अपने चैनल को यहाँ पर सर्च कर लीजिए, यहाँ पर सेकंड चैनल मान लीजिए आपका कोई, तो आप यहाँ लिख सकते हैं माय सेकंड चैनल, तो चलिए लिख देता हूँ सेकंड चैनल इस तरीके से। तो आप वो यदि आपका कोई दो चैनल आप उसे ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं। फिर आपको अपने चैनल को यहाँ पर सर्च करना है, तो जैसे मनोज दे मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, मेरा तो और कोई चैनल है ही नहीं, तो मैं मनोज दे सर्च करके यहाँ पर क्या करूँगा इसके चैनल को सिलेक्ट कर लूँगा। तो आप इस तरीके से आपका जैसे कोई और चैनल ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। और गाइस उसके बाद आपको क्या करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देख सकते मेरा यहाँ पर पहले वीडियो दिख रहा होगा, तो देख सकते हैं वो वीडियो दिख रहा होगा, फिर पॉपुलर अपलोड, इस तरीके से यहाँ पर जो जो आप ऐड करना चाहते हैं ऐड सेक्शन में क्लिक करके आप यहाँ से ऐड कर देंगे, तो आपको इस तरीके से दिखेगा, तो जिस तरीके से बड़े यूट्यूबर का दिखता है। और गाइस यहाँ पर यदि आप अपने चैनल में ट्रेलर लगाना चाहते हैं यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि ट्रेलर का मतलब कोई रिसेंट आप वीडियो डालें उसको आप होम पर एकदम लगाना चाहते हैं, कोई सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा मान लीजिए कोई चैनल को, तो यहाँ पर दिखता है इस तरीके से, तो आप लगा सकते हैं। उसके बाद इधर आपको इस सेक्शन में जो लेआउट है, आप लेआउट में होम आप अपलोड लगा सकते हैं, लेटेस्ट वीडियो लगा सकते हैं, अपने किसी अदर चैनल का लिंक यहाँ पर आप चैनल लगा सकते हैं, इस तरीके से यहाँ लगा सकते हैं। उसके बाद आप ब्रांडिंग में आएंगे, ब्रांडिंग में गाइस आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप अपने चैनल का लोगो लगा सकते हैं,
लोगो लगा सकते हैं, बैनर लगा सकते हैं, और यहाँ पर आप वाटरमार्क लगा सकते हैं अपने चैनल का, लोगो कुछ अपने चैनल का कोई वाटरमार्क लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। वाटरमार्क मतलब कोई आपका वीडियो देखता है तो यदि आप जो भी हैं वाटरमार्क लगाए होंगे अपना फोटो लोगो यहाँ पर, जैसे कि यूट्यूब वीडियो देखते हैं किस कोने दिखता है, तो इस तरीके से यहाँ लगा सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको आ जाना बेसिक इन्फॉर्मेशन में। यहाँ पर देखते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको आ जाना है। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आएंगे तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपने चैनल का नाम चेंज कर सकते हैं, हैंडल बना सकते हैं, और अपने चैनल का जो अबाउट होता है डिस्क्रिप्शन जो भी है, जैसे कि आपका चैनल रहता होगा तो लास्ट में जैसे कि जाते होंगे यहाँ पर अबाउट रहता है, वहाँ लिखे रहते हैं अपने बारे में, तो अपने बारे में आप इस तरीके से लिख सकते हैं, हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज ए, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, और मैं आपको जैसे क्या क्या वीडियो आप डालते हैं, कोई स्पॉन्सरशिप जीमेल लगाना चाहते हैं जैसे कि बिजनेस के लिए, यहाँ से आप लगा सकते हैं। तो मैं सब कुछ किया हूँ। उसके बाद यदि आप चाहते हैं कि आप यहाँ से सोशल मीडिया का लिंक ऐड करें तो आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं लिंक्स, लिंक मिलेगा आपको ऐड लिंक पर क्लिक करके, आप यहाँ देख सकते हैं ऐड लिंक है, इस पर क्लिक करके आपको क्या करना है, ऐड लिंक पर क्लिक करना है, जिसका जैसे कि मुझे इंस्टाग्राम को दिया हुआ, मैं फेसबुक का देना चाहता हूँ लिंक, यहाँ फेसबुक लिख दूँगा। उसके बाद यहाँ फेसबुक का जो मेरे प्रोफाइल का लिंक है यहाँ पेस्ट कर दूँगा, और मैं फिर क्या करूँगा पब्लिक पर क्लिक कर दूँगा, सेव कर दूँगा, यहाँ मेरा फेसबुक का भी लिंक आ जाएगा। तो मैं फेसबुक का लिंक अभी ऐड नहीं करने वाला हूँ, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं गाइस। जब ये सब कर देते हैं तो आपका चैनल कस्टमाइज फुली तरीके से हो जाएगा, एकदम अच्छे तरीके से दिखने लगेगा। तो उम्मीद करूँगा कि आपको पता चल गया होगा कि यूट्यूब चैनल को कस्टमाइज कैसे करते हैं। तो इस तरीके से आप अपने यूट्यूब चैनल को बढ़िया तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल कस्टमाइज हुआ कि नहीं। चलिए गो चैनल पर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। तो अपने चैनल पर हम आते हैं, और जब भी मैं मनोज दे का चैनल ऐड करके मैं आपको दिखाया हूँ, अभी वहाँ पर आ जाएगा, देख सकते हैं मनोज दे का आ गया है यहाँ पर, मैं सेकेंड चैनल लिख दिया हूँ, अभी इसे डिलीट करने वाला हूँ। तो इस तरीके से आप अपने YouTube चैनल को कस्टमाइज कर सकते हैं ताकि आपका YouTube चैनल देखने में अच्छा लगेगा। देख सकते हैं पहले मेरा यहाँ पर वीडियो आ रहा है, फिर पॉपुलर वीडियो आ रहा है, शॉर्ट्स आ रहा है, फिर चैनल आ रहा है, और यहाँ पर मेरा अबाउट देख सकते हैं मैं बढ़िया तरीके से लिखा हूँ, मेरा सोशल मीडिया का लिंक है। तो इस तरीके से गाइस आप कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताना, आज चैनल अपनी हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं बोल के ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया फॉलो कर लेना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।